योगेश्वर का आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपनी वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे वृष लग्न के 12वें भाव में सूर्य की स्थिति पर। मैंने मेष लग्न के 12वें भाव में सूर्य की स्थिति पहले वाली वीडियो में बता दी आप लोगों को, और खुशी है मुझे कि आप लोग कुछ रिप्लाई भी कर रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हमारे कार्यक्रम को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें देते रहिए। आज हम चर्चा शुरू करते हैं वृष लग्न। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा वृष लग्न के स्वामी कौन है। तो वृष लग्न के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र यहाँ पे लग्न और छठे के स्वामी होते हैं। तो जिस लग्न के स्वामी शुक्र हैं, उस लग्न में सूर्य कैसा फल देंगे और सूर्य कहाँ के स्वामी होते हैं वृष लग्न में, यह जानना बड़ा आवश्यक है। तो वृष लग्न में सूर्य स्वामी होते हैं पंच चतुर्थ स्थान की, जहाँ पर ये पांच अंक लिखा हुआ है, यह कुंडली का चतुर्थ स्थान है और यही के स्वामी होते हैं सूर्य। और चतुर्थ स्थान इंगित करता है माता का सुख, जमीन जायदाद का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, और समाज में आपकी लोकप्रियता का पैमाना क्या है, ये इसी के आधार पर निर्धारित होता है। तो यदि सूर्य लग्न में बैठ जाए तो क्या फल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सूर्य चतुर्थेश उठ करके लग्न में आ रहे हैं। सूर्य यहाँ पे केंद्र के स्वामी होकर के केंद्र में ही आ रहे हैं, जो कि लग्न है, अच्छा है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि सूर्य की शुक्र से शत्रुता है, सूर्य और शुक्र शत्रु ग्रह है आपस में। तो लग्न में सूर्य जो अपनी स्वराशि अथवा उच्च राशि पर जो फल दे पाते, यहाँ पर वो नहीं दे पाएंगे। फिर भी शुभ है, व्यक्ति के स्वाभिमानी, पराक्रमी, तेजस्वी बना देंगे, लेकिन साथ ही कुछ अवगुण भी दे देंगे, जैसे कि क्रोध, उतावलापन, जल्दबाजी भी दे देंगे। अगर सूर्य के साथ शुक्र की तात्कालिक मित्रता है तब तो यह बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और चूंकि चतुर्थेश की दृष्टि सप्तम पर भी पड़ जाएगी तो वैवाहिक सुख भी दे देंगे। परंतु यदि ऐसा नहीं होता है तो चूंकि सप्तम दृष्टि जा रही है सातवें घर पर, विवाह आदि आदि चीजों में थोड़ी समस्या आ सकती है। अब हम आते हैं धन स्थान। यदि चतुर्थेश सूर्य कुंडली के धन स्थान में आ जाए तो क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो सुख भाव के स्वामी हैं वो कहाँ जा रहे हैं, धन भाव में, यानी आपके वाणी के स्थान में जा रहे हैं, कुटुंब के स्थान में जा रहे हैं। यहाँ तक पैतृक संपत्ति का विचार करते हैं, धन में पैतृक संपत्ति का विचार करते हैं। तो यहाँ पर यदि सूर्य स्थित है तो सूर्य मित्र राशि में है, बहुत ही अच्छा फल मिलेगा आपको। आपकी वाणी में ओज होगा, वाणी आपकी प्रभावशाली होगी। परंतु सूर्य की जो प्रकृति है वह विच्छेदात्मक है, अतः आपको अपने कुटुंब से ये दूर रख सकते हैं, और अपनी वाणी में उग्रता की वजह से कई बार आप अपने लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो वाणी में थोड़ी मिठास लाइए, मित्र राशि में है आपको, इसके भी सुपरिणाम प्राप्त होंगे। अब आ जाते हैं तृतीय स्थान में। चतुर्थेश यदि तीसरे घर में जाते हैं, क्योंकि मित्र की राशि है, चंद्रमा का घर है वृष लग्न में, तो कैसा परिणाम मिलेगा, बहुत ही सुंदर परिणाम मिलेगा। वैसे ही क्रूर ग्रह पराक्रम भाव में बड़े अच्छे माने गए हैं, भाई बहन का घर है, आपको यहाँ पर काफी पराक्रमी बना देंगे। आपके जीवन में नौकर चाकर का सुख भरपूर मात्रा में रहेगा, और साथ ही भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपके भाग्य को भी बलि कर देंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तृतीय भाव में सूर्य की स्थिति अच्छी है। अब हम आ जाते हैं चतुर्थ स्थान में। चतुर्थेश सूर्य यदि चतुर्थ भाव में ही स्थित हो तो कैसा फल मिलेगा। तो देखिए, कोई भी ग्रह, यह नियम है ज्योतिष शास्त्र का, सर्वमान्य नियम है कि कोई भी ग्रह यदि स्वगृही होता है, अपने घर में होता है, तो बहुत अच्छा परिणाम देता है। यहाँ पर सूर्य चूंकि अपने ही घर में स्थित होंगे, इसीलिए माता का सुख भरपूर मात्रा में मिलेगा, भूमि का सुख, भवन का सुख सब मिलेगा। अंश जरूर देख लीजिएगा, डिग्री यहाँ पर विचारणीय है कि सूर्य की यहाँ पर क्या डिग्री होगी। सूर्य की जो सप्तम दृष्टि जाएगी वह दशम स्थान पर जाएगी, क्योंकि पिता का घर है, सरकारी नौकरी का घर है, राज्य सुख का घर है, तो ये भी चीजें आपको अच्छी मात्रा में प्राप्त होगी। अब यदि यही सूर्य पंचम स्थान में आ जाते हैं, जो कि कन्या राशि, बुध की राशि, मित्र की राशि, यदि कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी हुई तो सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा फल देंगे,
अभिमित्र की राशि में इनका संबंध किससे बन रहा है? विवेक बुद्धि, विवेक संतान, यानी बुद्धि आपकी अच्छी होगी। सूर्य भले ही क्रूर ग्रह हो लेकिन सात्विक है, तो बुद्धि आपकी सात्विक होगी, आपका विचार विभव अच्छा होगा, पढ़ाई लिखाई में आप बहुत अच्छा रहेंगे। साथ ही साथ एक समस्या यहाँ पर जरूर आएगी, वह संतान संबंधित दिक्कत आपको आ सकती है। यदि सूर्य के साथ यहाँ पर और भी कुछ पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, शनि राहु अथवा मंगल का, तो संतान संबंधित दिक्कत आएगी, अन्यथा यहाँ पर सूर्य आपको बहुत ही सफल होगा। अब आ जाते हैं हम छठवें घर में, जो कि तुला राशि है। यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर तो सूर्य नीच के हो जाएंगे तुला राशि पर, चतुर्थेश यदि नीच करके हो गए तो क्या फल मिलेगा, तो यहाँ पर यह स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि ये भी ध्यान रखिएगा कि छठे भाव में निजभंग भी होता है, और यदि सूर्य का निजभंग हो जाता है तब तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आइए हम दोनों पहलुओं को समझ लेते हैं। यदि निजभंग नहीं हो रहा है, सिर्फ नीच के हैं सूर्य और अंक में भी कम है, 10 डिग्री से नीचे है, तब आपको शत्रु से परेशानी होगी, रोग व्याध आपको परेशान दे सकते हैं, कर्ज में आप डूब सकते हैं, जन्म चूंकि संबंध बन रहा है द्वादश से भी, तो विदेश यात्रा की स्थिति बढ़ सकती है, नौकरी के सिलसिले में ये आपको अपने घर से बाहर जाना पड़ सकता है। लेकिन यदि यही निष्भंग राज्यों का सृजन हो जाता है तो सूर्य आपको अच्छा खेल देंगे, शत्रु होंगे आपके पर आप उन शत्रुओं पर हावी रहेंगे, अपना प्रभाव जमाए रखेंगे, आपका प्रभुत्व आपका वर्चस्व उन शत्रुओं पर बना रहेगा। इसके अतिरिक्त धन में कर्ज यदि आप लेंगे भी तो अच्छी चीजों में अपना कर्ज चुका पाएंगे, तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देंगे आपको यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम सप्तम स्थान में। अब सप्तम स्थान में एक विचारणीय बात यह है कि बहुत लोगों का मानना है, कहना है कि सप्तम स्थान में यदि विच्छेदात्मक ग्रह राहु शनि सूर्य, सूर्य को भी माना गया है कुछ हद तक, अगर ये ग्रह हो तो वैवाहिक जीवन में कटुता रहती है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। और अधिकांश कुंडलियों में मैंने भी यह पाया है कि यदि सूर्य का संबंध विवाह स्थान से बन रहा हो तो विवाह उतना अच्छा नहीं हो पाता, या वैवाहिक जीवन में जो तालमेल है उसमें कमी आती है। परंतु यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जो वृश्चिक राशि है यह जल तत्व की राशि है, तो हम किसी भी राशि की बात करते हैं तो हमें तत्व को भी नहीं भूलना चाहिए। अब यदि चतुर्थेश सूर्य आकर के सप्तम में ही बैठ जाए, और एक तो यहाँ पे केंद्र के स्वामी है, तो बहुत ज्यादा दोषी नहीं है ये, बहुत पूरा परिणाम आपको नहीं मिलने जा रहा है वृश्चिक में सूर्य का, अभी तो यदि अच्छे ग्रहों से संबंध बन गया तो आपको बड़े शुभ परिणाम मिलेंगे। यानी सुख स्थान का स्वामी आ जा गया विवाह स्थान में, इसका अर्थ यह हुआ विवाह के बाद आपका जीवन सुखमय होगा, आपका जीवन साथी अच्छा होगा, अच्छे गुणों से परिपूर्ण होगा, सात्विक होगा, या तो सरकारी नौकरी में होगा अथवा सरकारी नौकरी में ना भी हो तो प्रभावशाली जरूर होगा, किसी भी क्षेत्र में होगा अग्रणी होगा, समाज में मान सम्मान होगा। परंतु यहाँ पे यदि मैं बार बार कहना चाहूंगा कि पाप ग्रहों का यदि प्रभाव पड़ जाता है राहु का शनि का, तो स्थिति थोड़ी गंभीर हो सकती है, नहीं तो सूर्य यहाँ पर आपको अच्छा फल देंगे, बिल्कुल डरिएगा मत। जिन भी जातकों के वृष लग्न में केवल अकेले सूर्य या सूर्य बुध बैठे हुए हैं सप्तम में, या शुभ ग्रह है गुरु, तो विवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, बिल्कुल परेशान न होइएगा। अब आते हैं अष्टम भाव पर। यहाँ पर बृहस्पति की राशि धन अग्नि तत्व राशि है, सूर्य भी अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, यहाँ पर क्या परिणाम मिलेंगे? तो देखिये चतुर्थ स्थान के मालिक सूर्य अष्टम में आते हैं तो आपको माता से विवाद हो सकता है, माता से आपके संबंध अच्छे नहीं रह सकते हैं, समाज में आपकी लोकप्रियता में कमी आ सकती है, और भूमि भवन वाहन से संबंधित दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली जब आप वाहन चलाएं तो काफी ध्यान रखें कि आप वाहन ठीक से चलाएं, सावधानी से चलाएं। कई जातकों का मैंने ऐसी स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त होते देखा है, हालांकि यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो बड़ी दुर्घटना नहीं होती, छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती है। ये घर जो है वो ऑकल्ट साइंसेस का भी है, तो यहाँ पर सूर्य आपको आध्यात्मिकता की तरफ उन्मुख कर सकते हैं, तंत्र मंत्र इत्यादि में आपकी अभिरुचि हो सकती है और आप उधर भी उन्मुख हो सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र की तरफ आपका रुझान हो सकता है यदि यहाँ आकर। अब बात करें चतुर्थेश यदि नौम स्थान में आ जाते हैं, एक केंद्र का संबंध यदि त्रिकोण से बन जाता है तो क्या होगा? हालांकि ये सूर्य की ये जो घर है ये शनि का घर है और ये सूर्य यहाँ पर शत्रु राशि पर स्थित होंगे,
फिर भी आपको यदि शनि की स्थिति अच्छी हुई कुंडली में और सूर्य पर शुक्रों का प्रभाव है तो आपको बड़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप अपने पिता की इज्जत करने वाले होंगे, आप बहुत धार्मिक होंगे, धर्म का बड़ा महत्व रहेगा आपके जीवन में, संस्कारों को मानने वाले होंगे, पुराने विचारों को लेकर के चलने वाले होंगे। यानी कहा जा सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी जनरेशन और अपनी पिछली जनरेशन और आगे की जनरेशन तीनों में आप सामंजस्य बिठा करके चलने वाले व्यक्ति होंगे। जीवन के प्रति आपका एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण होगा और निश्चित तौर पर आप ईश्वर भक्त होंगे और आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी, भाग्यवान होंगे। अब आ जाता है दशम स्थान। दशम स्थान में मैं आपको बता दूं कि सूर्य को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाता है, यानी सूर्य दिग्बली होते हैं दशम में। हालांकि राशि शनि की है, ये जो है ये शनि का घर है, परंतु यहाँ सूर्य अपने घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, सात्विक दृष्टि से वो अपने घर को देख लेंगे। इस वजह से आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख तो पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेगा ही, और शनि की स्थिति यदि कुंडली में अच्छी हो गई तो आप निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी में आप बहुत ऊंचे पद पर जा सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको हायर पोस्ट भी मिल सकता है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं एकादश स्थान, यानी अपने मित्र राशि बृहस्पति की राशि में जब सूर्य स्थित होंगे तो क्या परिणाम मिलेगा, बहुत ही सुंदर परिणाम मिलेगा। और लाभ स्थान में तो सारे ग्रह अच्छा फल देते हैं, और यहाँ पर तो बृहस्पति की राशि है, मित्र राशि है, तो निश्चित तौर पर सूर्य यहाँ पर आपको लाभ दिलाएंगे। यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके संतान भाव पर तो यहाँ पर आपकी बुद्धि अच्छी होगी, विचार अच्छा होगा, और बहुत संभावना है कि आपके जो प्रथम संतान हो वो पुत्र के रूप में आपको प्राप्त हो। अब आते हैं बारहवां भाव। देखिए बारहवें भाव में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं मानी गई, लेकिन कई बार अपवाद होते हैं। अब चूंकि यहाँ बारहवें भाव में सूर्य की उच्च राशि है, यहाँ पर सूर्य कैसा रिजल्ट देंगे, तो यहाँ पर सूर्य आपको खर्चीला बना सकते, आप घूमने फिरने का शौकीन हो सकते हैं, चल राशि है, और चतुर्थेश का संबंध बन रहा है द्वादश से, तो आपको विदेश यात्रा का जाने का बार बार अवसर मिल सकता है, विदेश में आप जा सकते हैं, वहां नौकरी कर सकते हैं। कई जातकों को मैंने देखा है कि 3-4 साल वो विदेश रहते हैं, वहां जॉब करते हैं, फिर चले आते हैं। जो दृष्टि पड़ रही है छठे स्थान पर सूर्य की, इससे आपके शत्रुओं का नाश करेंगे, हो सकता है कोर्ट कचहरी में कुछ आपका खर्च हो, परंतु अंत में विजय आपकी ही मिलेगी। धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं भी आप कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, आज ये जो मैंने आपको बताया वृष लग्न के 12वें भाव में सूर्य का क्या फल होता है, अगला वीडियो हमारा होगा मिथुन लग्न के 12 भावों में सूर्य का क्या फल होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।